मद्रासा वगैरह के बीच में रात को, और मुझे बोला कि एक अर्जेंटली किसी को बेंगलोर ड्रॉप करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने अपना फेयर वगैरह सब बता दिया और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने कन्फर्म कर दिया, जो होटल रिसेप्शन वाले थे उन्होंने कन्फर्म कर दिया, और 12:30 बजे पिकअप टाइमिंग फिक्स हो गया रात के 12:30 बजे। तो सिंस मुझे अर्जेंट बोला था तो मैंने मेरे साथ एक स्पेयर ड्राइवर लिया और हम लोग होटल के लिए निकल गए। 12:30 बजे शार्प हम लोग होटल में पहुंचे और फिर मैडम को कॉल किया मैंने, उनका नंबर मुझे वो रिसेप्शन वाले ने दिया था, और उनसे बात किया मैंने और बोला कि हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए। तो विद इन 2 मिनट्स वो आ गई बाहर, और बाहर आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया रिसेप्शन के पास और देखा कि उनका बैग है, एक मीडियम साइज ट्रॉली, और मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग, अनयूजुअली हैवी पर अ सिंगल कस्टमर ऐसा लगा। फिर भी मैं आया और उधर जाके पूछा मैडम को कि मैडम इसमें बॉटल तो नहीं है ना? तो मैडम बोली नहीं है, मुझे सिर्फ काम का सामान है इसमें। और बाद में हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे निकल गए, और फिर एक थोड़ी देर बाद मैडम बोली कि पानी का बोतल लेना है, उसके लिए रुको। मैंने बोला ठीक है, हम लोग रुके भी रास्ते में, और हम लोग अभी ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे। एक पुलिस लोग आपका साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो 25 से 30 मिनट का अंदर, उसको कुछ भी डाउट नहीं आया? नहीं, मैंने वो डाउट आने नहीं दिया, क्योंकि मैं पुलिस से फोन रखने के बाद एकदम मतलब शांति था, या नॉर्मल जैसे ड्राइविंग करते थे वैसा ही मैंने अपना एक्सप्रेशन रखा, क्योंकि उनको शायद अगर कुछ पता चलता शायद वो कुछ रिएक्ट करते, लेकिन मैंने ऐसा कुछ मैंने अपने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, नॉर्मल जैसा ही रहा मैं। जैसे टू आर बेड लक कि हमको रास्ते में एक भी पुलिस वैन नहीं मिली, और हमने एक्चुअली अभी ये हाईवे अभी आइसोलेटेड इस पे हो गया था, मतलब जहाँ पे ज्यादा शॉप्स और ये नहीं है, और मैंने गूगल मैप्स पे डाल के देखा तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मुझे 100 किलोमीटर्स बैक दिखा रहा था। तो यू टर्न लेना तो वॉज लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अलार्म रेज करता मैडम को। फिर मैंने ऐसे सोचा, दो टोल गेट्स भी निकल गए लेकिन पुलिस मुझे किधर भी नहीं दिखी, और सेकेंडली उधर कर्नाटका में सारे बोर्ड्स तो कन्नड़ में लिखे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हॉस्पिटल है या पोस्ट ऑफिस है या पुलिस स्टेशन। फिर मेरे साथ जो स्पेयर ड्राइवर था उसको एक्चुअली इसका कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, मैं अभी एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकता है, तुम फटक से उतर के वॉशरूम में जाओ और उधर ही रुको, मैं बोलता हूँ तुमको एक 10 मिनट उधर ही रुको। और हम लोग रेस्टोरेंट पे रोका गाड़ी, वो गया अंदर, मैं बाहर निकल के तब मैडम ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि ड्राइवर को वॉशरूम आया वो उधर गया। फिर मैं उतरा गाड़ी से, मैं GPS पे देख रहा है, गूगल पे देख रहा है, मुझे कुछ एक भी पुलिस स्टेशन नहीं मिल रहा था, क्या करूँ करके बाद में उधर एक जो गाइड रहता है वॉचमैन उसके पास गया, उसको पूछा कि आपको हिंदी आती है, हिंदी समझते हो? बोला हाँ। मुझे प्लीज़ हेल्प करो कि मुझे पुलिस स्टेशन कहाँ पे है नज़दीक का, वो थोड़ा प्लीज़ बता दो। और लकीली वो पुलिस स्टेशन 500 मीटर्स पे ही था, और मैंने उसको कन्फर्म किया कि ये बड़ा पुलिस स्टेशन है, कुछ आउटपोस्ट है, छोटा है? वो बोला कि नहीं, बड़ा पुलिस स्टेशन है, आई मंगला पुलिस स्टेशन। मैंने बोला ओके ठीक है, और मैंने ड्राइवर को बोला कि आ जाओ बैठो गाड़ी में। फिर मैंने डायरेक्टली PI को कॉल किया, फिर बोला कि अभी फ़ोन चालू ही रखो, मैं अभी उधर पहुंचने वाला है। फिर हम लोग गए, मैं गोवा पुलिस को कॉल किया, गए पुलिस स्टेशन, मिल गया मुझे, उसके सामने जाके गाड़ी रोका। मैडम पूछी मुझे कि इधर क्यों रोका, मैंने उनको बोला कि मुझे पुलिस के 2-3 कॉल आए और इनको कुछ ये पुलिस से बात करना है, इसके लिए उसका आंसर ओके था और कुछ नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, झट से जाके फोन कांस्टेबल जो बाहर खड़ा था उसको जाके दिया, बोला कि गोवा पुलिस है ऑन द लाइन, आप बात कर लो। उन लोगों के बीच में 5-10 मिनट का बात हुआ, फिर और 10 मिनट में शायद उनका पुलिस इंस्पेक्टर आया, लेडी इंस्पेक्टर आई, और फिर एक 20 मिनट्स के बाद, अप्रॉक्स 15-20 मिनट्स के बाद वो पुलिस आके मैडम से बात किया, उनको इन्फॉर्म किया कि क्या सिचुएशन है। मैडम उतरी, उनको बोला कि डिक्की वगैरह ओपन करके दिया और बोला कि बैग ओपन करके दिखा दो। खुद मैडम ने बैग ओपन किया, मैडम ने बैग ओपन किया और ऊपर तो सारे कपड़े ही थे, लेकिन बाद में पुलिस ने भी ये करके चेक करके देख लिया, 2-3 कपड़े ऐसे उठा के देख लिया, तो उनको बॉडी मिल गया अंदर। बॉडी मिलने के बाद मैंने सुना कि इंस्पेक्टर ने उनको पूछा कि ये क्या आपका बेटा है, तो उनका जवाब हाँ था। अभी कर्नाटक पुलिस ने बैग ओपन करके देखा तो एक्यूज ने कुछ रोया, कुछ समथिंग, कुछ रिएक्शन उसका कैसे था? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं।
फिर आपका साथ ऐसा कुछ भी बच्चे को देख के कुछ भी ये नहीं किया, रिएक्शन कुछ नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। फिर बैग में और क्या था उसमें? बैग में कपड़े थे बहुत। और कुछ क्या लेटर समथिंग? वो कुछ प्लास्टिक वगैरह था, प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे अंदर, थोड़ा शायद खिलौने भी थे, लेकिन हाँ मोस्टली कपड़े थे, मतलब बॉडी के ऊपर सब कपड़े थे। नहीं राज, आपको डिसोजा जी कैसे लगा कि ये इतना डेंजर सिचुएशन में आपको कैसे पुलिस लोगों ने बोला बाद में आपको? क्या एक बार ऐसा नहीं बच्चों गायब हुआ है उसमें बैग में कुछ चेक करो ऐसा कुछ बोला था? हाँ मुझे उन्होंने पूछा था कि क्या लगेज लेके जा रही है, मैंने बोला कि एक बैग है, और एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे, लेकिन उस वक्त भी मुझे अभी क्या होता है सबका अलग अलग रहता है, अभी कुछ बता नहीं सकते। उन्होंने बोला था कि काम का सामान है करके, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट आता है, लेकिन 100% नहीं था। लेकिन जब वो पुलिस ने बोला कि सेकंड टाइम जब बोला कि मतलब वो बच्चा मिसिंग है या एड्रेस फेक है, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, और बाद में तो उधर कंफर्म ही हो गया वो बच्चे का। हाँ बच्चों में। इधर आपको कौन होटल वाला फोन किया था क्या, तो मैडम ही ऑनलाइन फोन किया था? नहीं होटल वाला फोन, होटल वाला किया। हाँ। कितना कॉस्ट किया था? 30,000 का डील था। 30,000? हाँ। कहाँ? बेंगलोर। कहाँ कुछ एड्रेस बोला? बेंगलोर में मान्यता पार्क। मान्यता पार्क।